तो यार मैं अपनी क्रश का नाम अपने हाथ पे टाटू कराने वाला हूँ। एंड गोवा में जो टाटू है ना वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं, और अब तो हमने इल्यूमिनाटी का एक और टाटू करवा लिया, तो अब तो हम इल्यूमिनाटी डबल ट्रिपल सब कुछ बन चुके हैं। एंड आई नो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे इल्यूमिनाटी हाँ भाई सोल भेज दी तूने इल्यूमिनाटी को, लेकिन ये पूरा कलरफुल टाटू है। तो भैया गोवा लोग आते हैं घूमने के लिए, स्पा कराने के लिए, बीचेस पे नहाने के लिए, और हमारी मम्मी गोवा आई है सोने के लिए। इससे पहले हमारी मम्मी क्या रिश्ता है क्या लाता देख रही थी टीवी पे, और अब वो सो गई है। अब मम्मी को यहाँ पर एकदम घर वाला फील आ रहा है। मम्मी चलना नहीं है क्या घूमने, सोते रहोगे क्या? चलो बाय गॉड, गुड मॉर्निंग बेबी, क्या हाल है? ठीक है, मजा आ रहा है मम्मी? इतना सोते हो मम्मी? अरे कल ठंड लग गई थी बहुत ज्यादा, था हमने कहा सोने थोड़ी देर। इतना तो नहाए भी नहीं हो आप? अच्छा नहीं नहाए, कितना सारा भीग गई थी, नमक का पानी डल गया था मेन। तो आपकी आंखों में क्या था? मुंह के अंदर। आंखों में तो गया होगा पर मुंह के अंदर भी है। तो किसने कहा समुद्र में मुंह खोल के जाओ? मुंह खोल के मुझे क्या पता, मुंह बंद करके भी जाते थे पहली पहली बार नहा रहे हैं तो हमें क्या पता। और आसमान में उड़ के कैसे लगा आपको? अरे पूछना देख रहे हो भयंकर, 23-24 साल की उम्र में लोग आवारा घूम रहे होते हैं, और आपके बाबू भैया अपनी मम्मी को गोवा लेके आ रहे हैं आपका घूमना बाली। सो हेलो गाइज एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइज ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइज। आज हम लोग फिर से 12 बजे उठे हैं, मतलब गोवा में हम लोग आधे दिन सोते रहते हैं। हियर इज आवर कॉलोनी जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं, एंड मैं आपको बता रहा था कितनी ज्यादा सुंदर है वहां पर ना, एक तोता है जो भयंकर शूट के बीच में ना क्यों क्यों करता रहता है, एंड आप ये बीच में जो चिल्लाने की आवाज सुन रहे ना ये भी उस तोते की है। लेकिन यार गोवा में एक्चुअली ना बहुत ज्यादा गर्मी है, हम लोगों के रूम में एसी है, हम लोग एसी 16-17 पे चला रहे हैं फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, और मम्मी तो भयंकर रजाई लेकर के सो रही है, मम्मी ऊपर पंखा चल रहा है, और इस लड़की को देखो हमारी इसकी पीठ पर दर्द हो गया था। हाँ भाई ज्यादा ना लेता पानी में। हम लोग रात के 10 बजे गए थे चिकन कोरमा खाने, इसको 12 बजे पता नहीं कहता लब लगी, रात के 12 बजे बोलते हैं भैया चिकन कोरमा खाना है, वो भी 80 वाला फुल। हम लोग ऑलरेडी फुल पेट थे, गले तक खाना आ रखा था, उसके बाद भी इसने वो फुल चोरमा खाया। रखते कहाँ बेटा तुम इतना सारा खाना, बालों में लगता है। एंड गाइस आज का व्लॉग बहुत ज्यादा तबाही होने वाला है, क्योंकि आपके बाबू भैया गोवा रखे थे, एंड उन्होंने सोचा कि वो एक नया टाटू कराने वाले हैं अपनी कलाई पर। मम्मी को पता है कि मेरे को टाटू का कितना ज्यादा शौक है। ये वाला टाटू कैसा था मम्मी? अच्छा था, ये मस्त है ना मम्मी? मस्त है, वो ही मस्त है। कौन सा वाला? जो दिल तो में वो इसलिए मस्त है ना क्योंकि मैंने आपका नाम लिखाया है उसमें। यार लेकिन मेरे को था कि मेरे को एक नया टाटू करवाना है, एंड ये टाटू बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं अपनी क्रश का नाम अपनी हथेली पे लिखाने वाला हूँ। वो पिक्चर में आपने बोलते हुए सुना होगा कि प्यार करते हैं गोरी तुझसे और लिख दिया प्यार का तेरा नाम, टेक टू वो बोलते ना इस पिक्चरों में कि प्यार करते हैं गोरी और हथेली पे तेरा नाम लिख के अपनी मोहब्बत साबित करेंगे। तो यार मैं अपनी क्रश का नाम अपने हाथ पे टाटू कराने वाला हूँ। एंड गोवा में जो टाटू है ना वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं, मतलब मैंने जो अपना पुराना वाला टाटू कराया था ये वाला टाटू 20-25 हज़ार रुपए का था, और ये ब्लैक एंड व्हाइट टाटू था, लेकिन यहाँ के जो मैंने रेट्स पूछे हैं वो अप्रॉक्स 3-4 हज़ार रुपए में इतना ही लंबा टाटू सेम क्वालिटी में हो जाएगा। लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि बाहर से जब टाटू कराते ना तो इन्फेक्शन और इंक का बहुत ज्यादा टेंशन रहता है कि बाद में जाकर के वो खराब ना हो या फिर फेड ना हो। तो हम लोग मार्केट जाने वाले हैं एंड 2-4 शॉप देखेंगे कि हम लोग कहाँ से बेस्ट करा सकते हैं। लेकिन रियली एक्साइटेड फॉर टुडे गाइस, क्योंकि टाटू फ्री घूम है और धीरे धीरे करके मैं अपनी पूरी बॉडी पर टाटू करा लूंगा। फिलहाल चलते हैं टाटू करवाने के लिए। सो यू नो गाइस मम्मी पहली बार गोवा आई है, एंड मम्मी आपको पता है गोवा में ना बहुत सारे फॉरनर्स भी आते हैं, और मेरी मम्मी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कच्ची मिट्टी वाली इंग्लिश है। तो मम्मी आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपकी इंग्लिश एकदम मस्त हो जाएगी, और फिर अगर आपको कोई इंग्लिश में कुछ भी पूछेगा ना तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो गाइस द नेम इज डुओलिंगो। डुओलिंगो एक इंग्लिश एंड लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जो कि इतना इजी है ना यूज करने के लिए। डुओलिंगो एक ऐसा ऐप है मम्मी जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करता है, और ये ना एक मस्त एंटरटेनिंग गेम की तरह आप डेली से 10 मिनट यूज करके अपनी इंग्लिश इतनी मस्त और फ्लुएंट बना सकते हैं ना। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऐप की इसमें कोई भी एड्स नहीं है, एंड सबसे बड़ी बात मम्मी पता है आपको इसके 30 करोड़ डाउनलोड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। एंड गाइस डुओलिंगो की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें 20+ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है, लाइक फ्रेंच, स्पैनिश। तो मम्मी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि डुओलिंगो यूज करना कितना ज्यादा ईजी है। तो आप बेसिकली जब इस ऐप को खोलोगे तो आप इस सेक्शन में जाकर के डायरेक्टली इंग्लिश लर्निंग कोर्स सेलेक्ट करके आप इजिली दिन के 10 मिनट लगा करके इंग्लिश सीख सकते हो। साथ ही साथ आप इसके अपने डेली गोल भी सेट कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना टेस्ट भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। सो गाइस डुओलिंगो एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव ऐड है। तो अब मेरी मम्मी भी डुओलिंगो को यूज करके फॉरनर्स को ऑर्डर देगी, टेक माय ऑर्डर्स, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो हियर। एंड नॉट ओनली दिस गाइस, डुओलिंगो आपको केवल ट्रैवल में ही हेल्प नहीं करता, ये आपको सोशल कल्चरल वैल्यूज में भी हेल्प करता है। लाइक आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, फ्रेंच न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। एंड मुझे भी रहता था कि मैं बाकी लैंग्वेजेस सीखूं लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन जब से मैंने डुओलिंगो डाउनलोड करा ना तो मैं दिन के 10 मिनट लगा करके मस्त अपनी फ्रेंच और स्पैनिश फ्लुएंट करने लगा हूं। तो गाइस अगर आप लोग भी इंग्लिश या फिर और कोई अदर लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, डुओलिंगो का डाउनलोड लिंक होगा आपको, तो मैं इस फोन में डाउनलोड करके दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से डुओलिंगो डाउनलोड कर सकते हैं, विच विल कीप योर माइंड एक्टिव एंड विल हेल्प यू फॉर करियर डेवलपमेंट। तो फटाफट चले जाओ गाइस डिस्क्रिप्शन में डुओलिंगो का डाउनलोड लिंक होगा, जाओ जाकर के डाउनलोड करो, और यह प्ले स्टोर पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तब तक मैं अपनी मम्मी को 2-4 वर्ड सिखा के आता हूँ कि फॉरनर्स को ऑर्डर्स कैसे देते हैं। सो यू नो यू मम्मी गो टू टैक्सी, गो टू टैक्सी।
यार गोवा की सबसे बेस्ट बात क्या है कि हम लोगों ने जहाँ पर रूम लिया ना उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारी लोकेशन पे बीच भी केवल 2 मिनट की दूरी पे, टैटू आर्टिस्ट भी केवल 5 मिनट की दूरी पे, बस ऐसे एयरपोर्ट बहुत दूर है, एयरपोर्ट यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है, तो जिस दिन हमारा डिपार्चर होगा ना उस दिन हमें टैक्सी 2 घंटे पहले लेके आनी पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम हम लोग सोच रहे हैं स्कूटी बिहार करने का, क्योंकि मम्मी को हम रात को सुलाने की सोच रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्नीक आउट कर जाएंगे मसाज कराने के लिए, समझ रहे हो। सो यार वी आर एट द लोकेशन एंड हम लोग यहाँ से अपना टैटू कराने वाले हैं। दिस विल बी द फर्स्ट कलरफुल टैटू दैट आई विल एवर हैव एंड मुझे थोड़ा सा डर है इंक का, लेकिन भैया से मैंने गारंटी लिया है कि इंक रिएक्शन नहीं करेगी एंड बाद में जाकर के कुछ दिक्कत नहीं होगी टैटू को लेकर के। मम्मी मैं कलरफुल टैटू करा रहा हूँ एंड मैं मम्मा को लेकर के इसलिए आया क्योंकि मम्मा का जब टैटू मैंने लास्ट टाइम कराया था इधर, तो मम्मा वॉज लाइक कि टैटू कैसे करवाते हैं, मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है, तो मम्मा को लेकर आए। सो यार इस बार हम लोग 3 टैटू करवाने वाले हैं एंड दैट 3 टैटूज विल बी डिफरेंट, एक मेन टैटू और एक द UK07 राइडर जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया जो कि कलरफुल होने वाला है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द रेट्स कि गोवा टैटू कराना कितना ज्यादा सस्ता है एंड जिस शॉप से मैं करा रहा हूँ अगर आप वहां से कराएंगे तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट, है ना भैया? अगर लोग आएंगे तो यू विल गेट देम एडिशनल डिस्काउंट, कॉम्प्लीमेंट्री एक के साथ एक फ्री, 3 बनाएगा तो एक फ्री। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट टैटू जो हम लोग कराने वाले हैं एंड ये मैं अपने फोरआर्म पे कराने वाला हूं एंड आई नो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे इल्यूमिनाटी हां भाई सोल भेज दी तूने इल्यूमिनाटी को, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, आई रियली लव आई ऑफ ओरियन इल्यूमिनाटी काइंड ऑफ स्टफ। एट द सेम टाइम मैं सोच रहा था लामिया बनाने की, बट ये इल्यूमिनाटी या फिर सेलिंग या सोल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो प्लीज ये डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे रहा हूं। अपन पंडित है एंड मम्मी पंडित की लड़की ढूंढेगी ये इल्यूमिनाटी ढूंढेगी। एंड द बेस्ट थिंग गाइस जो टैटू मेरे को स्टार्टिंग से कराना था दैट इज द UK07 राइडर। आप लोगों को पता है कि आपके बाबू भैया के लिए ये नाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज ऑल व्हाट आई एम टुडे एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू गाइस बिकॉज ये नाम आज ब्रांड इसलिए बन पाया क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट करा है। तो ये वाला टैटू हम लोग इधर कराने वाले हैं, अभी मैं से चिपका नहीं रहा हूं क्योंकि इट हैज अ स्टेंसिल, तो ये चिपक जाएगा तो फिर इसकी छाप यहाँ पे छूट जाएगी। एंड जो तीसरा टैटू हम लोग कराने वाले हैं वो अपनी मैं क्रश का नाम टैटू कराने वाला हूँ। अब आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि भाई कौन सी वाली क्रश का, वैसे भी बहुत सारी क्रश चलती है, मम्मी कौन सी वाली क्रश का नाम टैटू कराए बताओ। आपका नाम तो मैं करा चुका, तो अपना नाम बोलने के लिए बताओ किसका कराना है, एक्स का कराना है, करंट का कराना है, वैसे करंट तो है नहीं और क्रश का ही करा देता हूँ। इतनी सपोर्टिंग फैमिली, मम्मी बोल रही है बताओ भाई क्रश का नाम टैटू करवा ले तो इससे ज्यादा बेटर और भी क्या होगा। सो यार टैटू जब भी हम बनाते हो तो यू नो यू नीड टू शेव दिस हेयर ऑफ और भैया ये वाले बाल काटने वाले, भैया से दाढ़ी भी कट जाएगी। इस बार जो हम लोगों ने टैटू छोड़ जाएगा वो हम लोग कितना कितना जाएगा भैया, मतलब हाथ पे कितने एरिया पे आएगा बताओ। फर्स्ट वाला आई जो है ट्रायंगल यहाँ तक, ठीक, जो अपना जो वॉर्डिंग है मतलब वो पीछे घूम जाएगा, घूमसा ही लगेगा एंड वो कलरफुल होने वाला है। तो भैया कैमरे में देख के हाथ हिला दो, यू नो बहुत सारे लोग आपकी शॉप पे आएंगे, भैया ने मेरे को ऑलरेडी बहुत तगड़ा डिस्काउंट दिया, प्राइसेस मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा एंड लेट्स गेट द टैटू स्टार्टिंग। सो बॉयज हियर इज द टैटू एंड ये आई ऑफ रा का टैटू है, लेकिन इस बार ये कलरफुल टैटू है, अभी इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है क्योंकि दिस इज द स्टेंसिल, लेकिन कलर करने के बाद रंग बिरंगा टैटू हो जाएगा। एंड मैं टैटू इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ्यूचर में भी अगर एक्सटेंशन चाहिए होगी ना, तो वी कैन डू एन एक्सटेंशन। केवल रेडी लगा है, जब ये ब्लू के साथ कंबाइन होएगा ना तो ये बहुत ज्यादा भयंकर लगने वाला है। मैंने आपको कहा था हम लोग 3 टैटू कराने वाले एंड उसमें से पहला टैटू हो चुका है एंड ये रहा हमारा पहला टैटू, दिस इज द आई ऑफ रा विद अ ट्रायंगल, लेकिन ये पूरा कलरफुल टैटू है, अभी ये थोड़ा ब्लीड कर रहा है क्योंकि ये नया टैटू है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये टैटू कैसा लग रहा है। अभी हम लोगों ने इसके नीचे द UK07 राइडर और लास्ट में क्रश का नेम कराने वाले, फिलहाल जब तक हम लोग नेक्स्ट टैटू बनाने वाले तब तक आप इसके सिनेमैटिक चेक करें। सो गाइस फाइनली पूरा टैटू बन चुका है एंड जस्ट लुक एट इट, ये आई ऑफ रॉ का टैटू एंड ये द UK07 राइडर, दिस वाज द फर्स्ट लोगो दैट आई हैड फॉर माय चैनल एंड इट्स बीन लाइक 3 इयर्स, तो मैंने सोचा ये नाम जिंदगी भर साथ जाने वाला है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कैसा लग रहा है आपको एंड आई नो गाइस आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी क्रश का नाम अपने रिस्ट पर टैटू कराने वाला हूं, वो कुछ टाइम पहले अपनी जिंदगी में आई है और जब से वो जिंदगी में आए ना आपके बाबू भैया की जिंदगी एकदम तबाही चल रही है। मैं आपको टैटू करके दिखाता हूँ कि किसका नाम टैटू कराने अपने। आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले अपनी जी नौ सौ कर आई थी एंड फ्रॉम दैट मोमेंट यू नो शी हैज बीन द क्रश ऑफ माय लाइफ एंड यू ऑलरेडी नो यू नो हमारी सुपर बाइक हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हार्ट पे टैटू कराना वाज ऑब्वियस, लेकिन मुझे टैटू बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो आपको टैटू कैसे लगा। बाकी अगर आप गोवा आओगे तो भैया की शॉप है, भैया क्या नाम है आपकी शॉप का? MJ टैटू स्टूडियो, MJ टैटू स्टूडियो, हियर इज द शॉप। मेरा जो है पूरा टैटू पड़ा है ये केवल 3,000 रुपए का पड़ा है, तो आप देख सकते हो ये कितना अच्छा काम था, कितने अफोर्डेबल प्राइसेस थे। बाकी आप यहाँ पर आओगे तो भैया हमारी तरफ से आप डिस्काउंट दे दोगे लोगों को।
जरूर जरूर, आपका नाम से आएगा तो मैं जरूर डिस्काउंट दूंगा। सो मम्मी हियर इज द टैटू, कैसा लग रहा है मम्मी ये टैटू? कैसा लग रहा है? मेरी फैमिली मेरे को टैटूस को लेके बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अब बस एक गर्दन में कराना बच गया है ना, गर्दन में कराने अभी नहीं यार। मैं हर ईयर कुछ ना कुछ प्लान करके चलता हूँ, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग परसों यहाँ से जा रहे थे तो भैया ने कहा टैटू करवा लो, और हम लोग रैंडमली आए और हम लोग टैटू करा के जा रहे हैं। सो यार गोवा हैज बीन ऑलरेडी एक्साइटिंग, और अब तो आपके बाबू भैया ने टैटू भी करा लिया, और शिवम भी बोल रहा है मेरे को टैटू कराने, लेकिन शिवम का टैटू हम लोग कल सुबह कराएंगे क्योंकि अभी वो डिसीजन को लेकर बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। शिवम कौन सा टैटू कराएगा बीबी? हम भी इल्यूमिनाटी बन जाते हैं, अपनी आत्मा बेचने वाले हैं। अब हम वी बिकमिंग इल्यूमिनाटी सून। मैं तो इल्यूमिनाटी हुई हूँ, मेरा भाई भी अब टैटू करवा के इल्यूमिनाटी बनने वाला है, और अब तो हमने इल्यूमिनाटी का एक और टैटू करवा लिया, तो अब तो हम इल्यूमिनाटी डबल ट्रिपल सब कुछ बन चुके हैं। पहले हम लोगों ने अपनी आत्मा बेची थी, अब बेचने के लिए कुछ था नहीं। किडनी हम लोगों ने आईफोन के लिए बेच दी थी। क्या लेना बच गया मम्मी अभी? और हार लेनी है हमने। फिलहाल अभी हम लोग होटल जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बीच निकलेंगे। आज हम लोग कोई नया बीच एक्सप्लोर करने जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नई ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। Did it.